अस्सलाम वालेकुम। किया चाले ठीक हो? और ठीक हो ना? आहा, अच्छा मैसेज आ रहे थे मुझे कि बॉस व्लॉग्स लोग जरा टाइम ना पाओ, की चल रहे हैं ये व्लॉग, क्यों नहीं आ रहे? साडे कोल रोटी नहीं खाधी जांदी घर बैठ। फिर से हम आपको एक बहाना सुनाएंगे, बहाना सिंपल है कि यूट्यूब इज एट प्रायोरिटीज में नीचे जा चुकी है, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज हैं जिनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। उनमें से कुछ आपको पता है, जैसे कि फ्रीलांसिंग साइड होगी, कुछ आपको नहीं पता। आई प्रॉमिस आई विल कंटिन्यू टू अपलोड अ वीडियो, हफ्ते में कोई एक दो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। बाकी एलर्जी एएमजी पे करने के लिए ना अभी बड़ा कुछ है, सिर्फ ये मौसम की वजह से या थोड़ी सा ना कम्फर्ट जोन में आ चुके हैं उसकी वजह से। सबसे पहले मेरी कोशिश ये थी कि इस गाड़ी को मैकेनिकली, जो चीजें पिछले ओनर से मिस होके हमारे पास आई हैं, मैकेनिकली इस गाड़ी को ओके किया जाए, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली जनाब एस्थेटिक्स पे लग जाओ जनाब। तो मैकेनिकली मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस गाड़ी को समझ पाऊँ, इसके छोटे छोटे चीजें हैं जो छोटे छोटे मसले हैं वो हल कर लें हम किसी तरह, उसके बाद फिर मजा आएगा जरा गाड़ी की शक्ल निकालने का। अभी प्लान ये है कि ऑटो शो नजदीक है, होपफुली 20 को ऑटो शो है, अगर पोस्टपोन ना हुआ पाकवल्स ऑटो शो द और 20 दिन के अंदर इस गाड़ी की हमने शक्ल निकालनी है बाहर, और पता नहीं इसमें कलर चेंज होता है कि नहीं, एयर शेयर और बाकी जो चीजें हैं एस्थेटिकली गाड़ी को करेक्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले तो हमारा रास्ता जी टायर ही नहीं सीधा, और पिछली वीडियो में आपने आई थिंक देखा कि टायर हम रिपेयर करा गए अपना रिम पार्ट स्ताजी, दो दिन के अंदर वो फिर बैठ गया। आज उसका फिर से हम हल करने की कोशिश करेंगे, प्लस एक हमें ये पार्सल रिसीव हुआ जो आपने अभी इस वीडियो में देखा, उसमें मिले हैं ये, इनकी भी आपको एक कहानी सुनाते हैं कि ये क्या चक्कर है। लेट्स गो डाउन एंड डू सम DIYs, मेकिंग माफिया कार्ड इन 20 डेज, लेट्स गो। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, हमारे दोस्त ने जो है ना 20 दिन में गाड़ी तैयार की है। इट टेक्स अ लॉट, पूरा दिन पूरी रात लगता है, स्पेशली जब आपको एडिट्स भी करने हो। तो गुड एफर्ट ब्रो, कीप इट अप, ठीक है। वही तो बेशक साइड तो हार गए हैं रेस रूस, पर तू कंटेंट से जीत गए, कांग्रेचुलेशन। एक चीज और, जो लोग रिम्स का बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं, तो बॉस दीज आर सोल्ड, तो हमारे एक फ्रेंड ने जो है ना ये हमसे ले लिए, बाकी जो 17 वाले टायर्स हमारे ग्रैंडीज उतरे थे पिरेली, वो हम बेचने नहीं वाले, क्योंकि बॉस जो मार्केट चो टायर लेने नवा जाओ ना लग समझ जाती है जितना महंगा देते हैं, तो वो हमारे टायर भी ना 50% से ऊपर रखते हैं गाड़ी की आवाज़ के चक्रों में, कि गाड़ी में शोर आता है उसके चक्रों में हमने वो टायर बदले, टायर वो ठीक थे। सो वी आर गोना कीप दोस टायर्स बिकॉज ग्रैंडी में हम 17 का टायर चलाने वाले हैं, तो इसलिए हम उनको रखेंगे सेफ। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस न्यू रिम रिवील इन 3, 2, 1 गो। ओह माय गॉड, साजी खुशी के बाद पता क्या लगती है मुझे, जब इस गाड़ी के अंदर से इसकी जेन्युइन स्टेपनी निकली है ना यार क्या, मुझे लगा पहले किसी और ने वो को रिम जो आजकल बड़े चले हुए हैं, तो मैंने लगा शायद वो बेच रखे होना किसी ने एक्स्ट्रा लाया के, बट जब ये इसके बारे में कोड्स पढ़े हमने तो बहुत जेन्युइन स्टेपनी, चेक करो ब्रांड न्यू पिरेली का टायर चढ़े आते यार, आउट क्लास। बाकी यार जी इस गाड़ी का ना सबसे बड़ा फ्लैक्स जो है ना मेरे पास वो यही है, ये मॉडल हमारे पास ना जेन्युइन टक्कर गया कहीं से, पेंट से लेके गाड़ी के बॉडी से लेके गाड़ी के इंटीरियर से लेके पार्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग जेन्युइन, ऐसा साडा सब तो बड़ा फ्लैक्स है। जेन्युइन AMG RRR W210 RRR 99 मॉडल, उफ माशाल्लाह। बाकी जी तुम स्टाजी शीशे थले होने आवाज आई है ना, यही आवाज है, इतना मैं W2 की कहते हैं W210 W140 यार क्या कहते हैं उसको, ये पड़ी गई यार गाइस WD40 W140 वो मैं लाई है स्ताजी, लेकिन है ना आवाज़ ये गई नहीं, तो इसके लिए हमको लुब्रिकेंट ढूंढेंगे, जब ये शीशा खुलता है ना तो थोड़ी सी आवाज़ आती है। लेट्स टॉक अबाउट दीज, इन्हें रखेंगे जी इत्थे। तो बेसिकली आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें गोरा भाई जो है ना, गोरा भाई इस गाड़ी का ये ग्लव बॉक्स खोलते हैं और उसके नीचे उनको मिलती हैं 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। मैं सुनिया कि कैबिन एयर फिल्टर के नाँ की भी कोई अंदर चीज़ है, हमें थोड़ा सा और रिसर्च करने पता चला कि वो इम्पोर्टेंट है गाड़ी के चेंज करने चाहिए, अब कैबिन एयर फिल्टर गोरा जी की एडवाइस पे हमने चेंज करने हैं इसके, आज ये जो डब्बे में आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली कैबिन एयर फिल्टर हैं, बट थोड़ी सी और रिसर्च में पता चला कि इसमें सिर्फ 2 नहीं आते, इसमें आते 4। पहले आप भी वीडियो देखें, उस दिन आपको भाई इधर पंगे कर रहा था, ज़रा ग्लव बॉक्स खोला था और अंदर की ज़रा पहले आप नज़ारे देख लें कि हमने क्या ढूंढा यहाँ से। आई वही खुल जा, देखो आज अब तो भाई जो है ना बंद कर दो खुल के, भाई जो है ना एक और DIY के चक्करों में गोरे की वीडियो देख ली है दाजी, मैं परेशान हो गई, कहते जी ग्लव बॉक्स के पीछे भी थोड़ी जादू ही चीज़ हैगी। डू इट एंड वी हैव अ कैबिन फिल्टर, कैबिन एयर फिल्टर हेयर, क्या बात है, मिट्टी चेक कर रहे हो साजी, एंड अभी तो रुकिए एक और है, एक और है, और क्या बात है जी, पता नहीं लास्ट टाइम कब के चेंज हुए हैं, कोड इतना लिखे है इसका, हमने कोड लेना था एक्चुअली, मैं कह रहा ये भी मंगवाते हैं ना, रीस्टोर कर रहे हैं बॉस। एक और वीडियो देखी ते साजी
ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੂ ਮੋਰ ਫਿਲਟਰਸ ਬ੍ਰੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਰ ਫਿਲਟਰ ਦੋ ਇਧਰ ਦੋ ਇਧਰ ਇਨਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰਕੋਲ ਫਿਲਟਰਸ ਉਨਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕੈਬਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰਸ ਦੀਜ਼ ਲੁਕਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਓਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਸ ਇਹ ਦੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਚਕਸ ਫੜੋ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਾੜੀ ਕਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਤੀ ਆ ਪਾਂਚਾ ਕਰਦੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੋ ਬੇਸੀ ਇਹ ਜੋ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਕੇ ਪੀਛੇ ਸੇ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰਸ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬੋਸ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਕੈਬਿਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰਸ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨੀਚੇ ਸੇ ਦੋ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰਸ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬੋਸ ਚਾਰਕੋਲ ਫਿਲਟਰਸ ਯਾ ਐਚ ਈ ਪੀ ਏ ਐਸ ਪਰ ਗੂਗਲ ਸੇਸ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਪਰਟੀਕੂਲੇਟ ਏਅਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਿਊ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਚ ਈ ਪੀ ਏ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੀ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਗਾੜੀ ਕਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਮੈਨੇ ਜਬ ਇਸਕੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰ ਯੇ ਬਟਨ ਮੁਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਜੋ ਬਟਨ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆਨ ਕਰੂੰ ਸਿੰਪਲ ਯੇ ਫੈਨ ਆਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਜੋ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੇ ਉਸ ਫਿਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸਕੇ ਕੈਬਿਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰਸ ਹੈ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋ ਅਹੈਡ ਐਂਡ ਟਰਨ ਦਿਸ ਵਨ ਆਨ ਤੋ ਯੇ ਅਬ ਹਵਾ ਜੋ ਗਾੜੀ ਕੇ ਰੂਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚਾਰਕੋਲ ਫਿਲਟਰਸ ਹੈ ਉਨ ਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈਜਨ ਜੋ ਕੈਬਿਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰਸ ਹੈ ਉਨਕਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਨੋਰਮਲੀ ਡਸਟ ਗਾੜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਯਾ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਓਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਹੈ ਵੋ ਆ ਜਾਏ ਉਸਕੋ ਹੀ ਰੋਕੇਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਪੋਲਨਸ ਔਰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਬ੍ਰੋ ਫਿਰ ਯੂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਬਟਨ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸਕੋ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਯਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿਸ ਨਾਮ ਸੇ ਇਸ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਆਏ ਤੋ ਯੇ ਇਸ ਬਟਨ ਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਯੇ ਹੈ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਕਭੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਇਸਕੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹਮਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਇਤਨਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਇਸਕੋ ਆਪ ਆਨ ਕਰੋ ਤੋ ਹਵਾ ਕਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਔਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੋ ਇਤਨੇ ਥਿਕ ਫਿਲਟਰ ਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਬ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਬਰ ਯੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਸੇ ਇੱਕ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਦੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਕੇ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਏਸੀ ਗਲ ਕੋ ਚਲਾਓਗੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਪਕੋ ਨਾ ਉਸਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਤੀ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਾੜੀ ਮੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾੜੀ ਕੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮੈਲ ਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਸਮੈਲ ਹੋਤੀ ਹੈ तो वो आपका बाइक खोना नहीं चाहता इसलिए मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा परफ्यूम नहीं रखा अलबत्ता अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगर आपको एक गाड़ी में के अंदर से अपनी फेवरेट परफ्यूम की स्मेल हर टाइम चाहिए तो कैबिन एयर फिल्टर पे छिड़को एंजॉय करो ताजी ਹੈਲੋ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਫਸ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਗਲਵ ਬੋਕਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਦਸੀ ਯਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਗੱਲ ओल्ड फिल्टर्स आउट ये जेन्युइन है OEM इनकी आप जरा साइड चेक करें पूरी है जी ये आफ्टर मार्केट है इसकी साइड पे जरा छोटा फोम लगाया हुआ बट प्राइस डिफरेंस जी हद तो ज्यादा सी इसलिए मैं जेन्युइन आफ्टर मार्केट प्लस इनके रिव्यूज अच्छे थे ये कंपनी है आई थिंक लिखा तो ओरिजिनल है आज के व्लॉग का टाइटल होगा आई फाउंड हिडन डिपार्टमेंट ओ सॉरी आई फाउंड हिडन अपार्टमेंट इन माई मर्सिडीज इंज करके टाइम टू सेंड द मैन हूँ मैंने उसता जी भूल गया कि ऐदा पेंदे सी कि ऐदा पेंदे सी You was there, brother. My boss, wipes pade hain, wipes for our cat. Billi staji jado sadi, you know, urination, fumigation kar di hai na, fir ode DC wipes bhi rakhe hai. Gosh, check that. Bismillah, pad ke inu bhejange andar. Ede te vi boss kapda maar diyo. ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਲੇਕਿਨ ਗਾੜੀ ਕੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਹਮੇ ਲਗਾ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਇਸਕੀ ਕਿਨਾਰੀਓ ਸੇ ਕਹੀਂ ਸੇ ਇਸਕੀ ਨੋਜ਼ਲ ਸੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋ ਵੋ ਵੀ ਮੈਨੇ ਰਾਤ ਕੋ ਜਾਣਾ ਇਸਕਾ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸਕੀ ਸਟਫਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲਗਾ ਦੀ
और पेंचर वाले को मैंने चैलेंज दिया कि मैं कहता तू एदा पेंचर कट जा तेनू मुंह मंगे पैसे देंगा मेरे टायर का मसला हल कर दे तू जिन्हें पैसे कहेंगा 1,000, 5,000, 10,000 तेन मैं देंगा। उस्ताद जी वो बंदा 35 मिनट लगा रहा सली दे नाल पानी च डोब के पर उसताद जी मसला नहीं लगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है टायर पे कि मे बी आपका टायर उस्ताद जी फारग हो चुका है। सर्फ वाले पानी के साथ मैंने खुद अभी बैठ के उसको अच्छी तरह इसकी एक गुड्डी के अंदर सर्फ डाल के देखा है क्योंकि अक्सर इतना छोटा सुराख हो ना जहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स होते हैं हवा सिमती है तो उससे भी हो सकता है कि हमने लेफ्ट जाना था। तो हमने वो भी तसल्ली कर ली कि सर्फ वाले पानी से शायद हमें कहीं से कोई बबल निकलता हुआ नजर आ जाए बट उस्ताद जी नहीं। तो फिगर आउट कि क्या हमारा टायर वाकई ही फारग है। हम आज एक और स्टेप लेने जा रहे हैं इसमें हम ये करेंगे कि फ्रंट दोनों टायरों को आपस में स्वैप कर देंगे। सारी कहानी खुल के हमारे सामने आ जाएगी अगले दो दिन के अंदर। अल्लाह बचाए सानू उस खर्चे तो क्योंकि OEM रिम्स ये जो है ना इनको स्टाइल 3 रिम्स बोला जाता है। जरा देखो जाके $4,000 दे रिम लगे हुए नवे। टायर भी एडा सस्ता नहीं है बट वी विल मैनेज। उस्ताद जी टायर स्वैप करना भी एडा सौखा नहीं क्योंकि इतने आवाम को जड़े ने ना वो बड़ी मशीन इन्हें जोगिया नहीं है तो हमारे व्हील्स जो है ना हम जो व्हील्स को ये ना स्क्रैच डाल देंगे इसलिए असि कोई अच्छे पंप से जा रहे हैं टायर स्वैप कराने लिए। अस्सलाम वालेकुम बॉस खिला व्हील खोल लेगी तुम्हारी मशीन टायर बगैर स्क्रैच पाए पै जाने। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बॉस ठीक 19 इंच का व्हील है नहीं सर वो उधर जाएगी गाड़ी टाउन में कहां पे थोड़ा सा क्योंकि इन्हां ते उस्ताद जी हल्के हल्के ना स्क्रैच पे हुए ने तो रिफर्बिश तो हमने कराना ही है बट स्टिल बचाने की कोशिश करेंगे ना कि जिन्ना मैक्सिमम बच सकता है। ये व्हील खोलेगी मशीन आपकी पक्की बात है स्क्रैच पाए बगैर बॉस डन। अगले दोवें व्हील स्वैप करने हैं टायर एक मिनट आंटी जी एक मिनट टायर ला के ना बदल लेने नहीं नहीं वही बदल लेने आपस इधर पाने ठीक है कितने लावा गड्डी बॉस स्क्रैच नहीं आना चाहिए मेरे रिम ते ना 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 एक स्क्रैच पूरे रिम ते ना आए किधरों भी ठीक है खोल वैसी हाँ इंज तो ठीक है इधर जो तो तुम थले रखने नाल फोम लगी ताड़े के नहीं वो लगे हुए अब वो तो बचाना है ठीक है बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलो सो प्यार प्यार ना जरा यार ना कर पूर रड़े में 1,000 कर दई हुन नहीं इंदा है गई इने दा टायर बदलन दा 1,000 रुपया जी हां क्यों बस है पेंचर ए गड्डी होए फिर हां जी ए ली गड्डी होए फिर ए गड्डी होवे ना पेंचर खाली 350 दा टायर बदलन दा 10 मेनू टायर बदलन 250 रुपया 1,000 रुपया कहते तो नहीं 500 रुपया ठीक है 500 ठीक है यार मैं तेरे नाल फिर फ्रेंडशिप हो जाएगी फिर जरा इतों ही आवा करांगा ना लगते जाते तेरे चल बड़ा है चल कर लें थोड़ा जा प्यार कर ली ना हट नाल जाओ तो खोल जाओ आओ ऐ छोड़ो ना दे पढ़ो खाली है फाड़ लिया जी फाड़ ला ले भाई मुंडे ने यार रिम टायर ला लेने मुबारक हो सारे मुबारक हो दिल से हाथ रख के मिशन सक्सेसफुल हो गया आ भाई की मेहरबानी इन्हें बहुत अच्छा काम किया तसली नाल किया है तेरी खैर इंज करके ठीक है तो उस साइड वाला जो हमारा जो टायर था ना वो उतार के हमने इधर लगा दिए इस साइड वाला बॉस वो आ रहा तो हूँ लैट सी जे तो यह बैठा तो साढ़े टायर च मसला जो वह बैठा तो साढ़े रिम च मसला पर अल्लाह करे मसला हल हो ही जाए क्यों भैया दुआ करेंगे मिलके दुआ करेंगे इसको ओवरनाइट खड़ा रखेंगे और ओए होए 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 अंदर तारे नज़र आ रहे हैं फिर तो ओवरनाइट इसको खड़ा रखेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि दो दिन भी टायर जो है ना वाह कंटेन करता है सो एक दो दिन तीन दिन इसको लगने हैं तो सी यू टुमारो विद एन अपडेट। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल लुकिंग वेरी क्यूट वेरी नाइस। मैं यार चूकी जो है ना चेक करने आई है कि हमारी गाड़ी के साथ ना आखिर रोला क्या है तो टाइम टू चेक कि गाड़ी साड़ी किसी साइड तो बैठी है कि नहीं। इधर भी हवा ठीक है एंड इधर भी हवा ठीक है खैर जी अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और अगली वीडियो तक सारी कहानी खुल के ना सामने आ जाएगी कि ये सोल्यूशन हुआ है या नहीं या टायर का रोला या रिम का रोला
सो फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत, सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, लव यू.